नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, ये रेसिपी है बटाटा पूरी की। तो बटाटा पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम बटाटे को एक रो में अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे। उसके बाद फिर उस पर हम डालेंगे बॉइल्ड किया हुआ चॉप्ड आलू। उसके बाद फिर डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज। ये भरी पूरी मात्रा में डालें ताकि आलू प्याज और चटपटा मसाला से ही इसका पूरा टेस्ट होता है। तो आलू डाल करके फिर हम इसमें प्याज डालेंगे, उसको भी अच्छी तरीके से चारों ओर फैला लेंगे। फिर डालेंगे इसमें हम चाट मसाला, काला नमक, अगर ज़रूरत हो तो रेगुलर नमक डालें, हल्का सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। चारों तरफ से सारे मसाला को स्प्रिंकल कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे, ये बहुत ही चटपटा रेसिपी है, थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा तीखा और स्वाद के अनुसार नमक तो जरूरी ही बनता है। और फिर इसमें हम चॉप किया हुआ टमाटर डालेंगे। इन सारी मसाला सब्जियां डालने के बाद फिर ऊपर से हम डालेंगे भर करके बूंदी वाला सेव। और फिर डालेंगे कुछ चटनी, जो ग्रीन चटनी है खट्टा वाला वो डालेंगे, मीठा वाला लाल चटनी डालेंगे और बन करके सेव पूड़ी ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही चटपटा फ्लेवर होता है इसका। तो एक बार इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर इंजॉय करें। अगर आपको ये अच्छा लगे तो एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट तो बनता ही बनता है। तो देखिए, देखते ही देखते ये चटपटा पूरी बन करके रेडी हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रीट पे और मार्केट में ही उपलब्ध है, आप चाहे तो अपने घर में भी इसे इजीली बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए, सेव पूरी भी पूरा, सेव पूरी के ऊपर पूरा सेव भर भर के डाल देना है ताकि मार्केट से अच्छा टेस्ट आए घर पे। और डेकोरेट करने के लिए जो भी आपके पास है थोड़ा बहुत ऊपर से डाल सकते हैं, जो बचा है नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। इसमें नींबू का जूस दो चार बूंद डाल दीजिए और फिर इंजॉय कीजिए। तो लाइक एंड सब्सक्राइब बनता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं और कौन कौन सा रेसिपी मेरा ट्राई कर चुके हैं, कैसा बना है। अगर नहीं किए हैं तो एक बार रेसिपी ट्राई करने के बाद ही लाइक सब्सक्राइब करें, लेकिन कर दें।